हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे मल्टीप्लिकेशन का अगला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.7। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है, एस्टिमेशन हमें करना है जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सो मल्टीप्लाई करने के पहले सबसे पहले आप नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, और वो कैसे करना है यहाँ पे दिया है नियरेस्ट टेंस, ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ टेंस प्लेस तक का ही राउंड ऑफ करना है। तो 56 को राउंड ऑफ करके बना देंगे 60, और 9 को राउंड ऑफ बना करके लिख देंगे 10, है ना। 56 बन जाएगा 60, 9 बन जाएगा 10, और अब 10 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 10 को, तो आंसर होगा 600, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारे करने हैं। चलो हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे देखिए, 175 को राउंड ऑफ करके बना देंगे 180, है ना, 75 80 बन जाएगा, और 40 ही रहेगा, है ना, वो 45 के ऊपर नहीं है तो वो 40 ही रहेगा। सो अब 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, और आपको मिल जाएगा उसका प्रोडक्ट, मतलब कि आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, 218 को मल्टीप्लाई करना है 34 के साथ, तो सबसे पहले आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, 218 बन जाएगा 220, क्योंकि 18 राउंड ऑफ करके 20 बनेगा, और 34 राउंड ऑफ करके 30 रहेगा। सो यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई बाय 30, है ना, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका प्रोडक्ट, जो कि है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे भी आपको दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ का रोल है कि नियरेस्ट 100s की तरफ, यानी पूरे तीनों नंबर्स को आप राउंड ऑफ करेंगे, 100 प्लेस तक आप राउंड ऑफ करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 217 बन जाता है 200, क्योंकि वो 250 से कम है, है ना, तो 217 200 बन जाएगा, 140 बन जाएगा 100, 150 के ऊपर जाएगा तभी वो 200 जाएगा, 200 की तरफ जाएगा, ठीक है। और अब आपको करना है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, बहुत ही सिंपल। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक देखते हैं नंबर 826, तो 826 को राउंड ऑफ करके 800 बनाएंगे, 282 को राउंड ऑफ करके 300 बनाएंगे, एंड 800 मल्टीप्लाई बाय 300। सो अब यहाँ पे देखिए, जो 800 मल्टीप्लाई बाय 300 है, उसमें आपको 00 को करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करिए, है ना, आप सिर्फ 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करिए, जो कि आपको पता है आंसर है 24, और फिर आपको ये जो चारों जीरोस है ना, उन्हें आप सिंपली आंसर में इस तरीके से लगा दीजिए, तो आपको इतना बड़ा नंबर मिल जाएगा, 240,000, है ना। तो इतने बड़े नंबर्स में ना हमें जब जीरोस आता है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जैसे कि देखिए, 729 से मल्टीप्लाई करना है 325, सो 729 बन जाएगा 700, है ना, 700 बन जाएगा, और 325 मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 300। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 73s जो कि हमें पता है 21, उसके साथ ये 1 2 3 4, ये चारों जीरोस आप यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर होगा आपका 210,000, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है जीरोस के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। देर आर 375 बैग्स ऑफ वीट इन अ गोडाउन, एक गोडाउन में 375 बैग्स हैं। अब ईच बैग का वेट है 99 केजीज। अब एस्टिमेट द टोटल वेट ऑफ दीज बैग्स बाय राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 100s की तरफ। क्या करना है, 375 को मल्टीप्लाई करना है 99 के साथ, आपको एक्चुअल वेट भी ढूंढना है, मतलब वो आपने पहले से ढूंढा हुआ है, और फिर आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी ढूंढना है। उसके लिए आपको दोनों नंबर को राउंड ऑफ करना है, 375 बन जाएगा 400 और 99 बन जाएगा 100, और आंसर हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो ये भी आप करेंगे।
एक्चुअल वेट के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं अ मोटरबाइक कॉस्ट। एक मोटरबाइक का कॉस्ट है 56,875। सो कॉस्ट ऑफ 9 सच मोटरबाइक्स, तो अब 9 सच मोटरबाइक्स के कॉस्ट का कॉस्ट क्या होगा? बाय राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना है उसके प्राइस को नियरेस्ट हंड्रेड्स की तरफ। सो यहाँ पे भी राउंड ऑफ करना है उसके प्राइस को। सो सबसे पहले इस प्राइस को आपको राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स की तरफ, यानी आप सिर्फ इतना नंबर देखेंगे 875, जिसको राउंड ऑफ करके हम 900 बना देंगे, मतलब आपका नंबर होगा 56,900। और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 9 बाइक्स के साथ। सो आपको मिल जाएगा आंसर, 9 बाइक्स खरीदने के लिए आपको कितने पैसे, कितने रुपए लगेंगे, ठीक है? तो ये होगा इसका आंसर। सो इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.7, जिसमें कि हमने एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ सीखा है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।